इलेक्ट्रिकल सॉल्वर के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश कुमार। आज हम जानेंगे एसी और डीसी के फुल फॉर्म, इन दोनों में क्या अंतर है। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाएंगे इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो दोस्तों एसी और डीसी का फुल फॉर्म, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करेंट, इसे हम हिंदी में परावर्ती धारा कहते हैं। वहीं डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, इसे हम हिंदी में दृष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों एसी करंट में हमारा पॉजिटिव और निगेटिव वेव की तरह यानी साइकिल की तरह ऊपर नीचे होता है। यह एक बार ऊपर जाता है पॉजिटिव की तरफ और एक बार निगेटिव आता है, इसी तरह यह हमारा चलते रहता है। डीसी में पॉजिटिव डायरेक्ट जाता है और निगेटिव भी डायरेक्ट जाता है, ये हमारा अप डाउन नहीं करता है। वहीं अल्टरनेटिव में सिर्फ फेज ही एक बार हमारा निगेटिव की रेशियो में आता है और एक बार पॉजिटिव की रेशियो में आता है। दोस्तों एसी करंट में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है जो कि इंडिया में 50 से 60 हर्ट्ज होता है, वहीं हमारा एसी करंट में पावर फैक्टर होता है। फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज ये होता है, जैसे कि ये एक साइकिल है, जैसे कि हमारा जो लाइन जा रहा है एसी में वो फेज है, तो यह एक बार निगेटिव की तरह और एक बार पॉजिटिव की रेशियो में जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक बार हमारा निगेटिव में जा रहा है और एक बार हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। जो नीचे हो रहा है वो निगेटिव है और ऊपर जो जा रहा है ये पॉजिटिव है। और हर्ट्ज का मतलब हुआ 50 से 60 हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे जाता है, यानी एक साइकिल हमारा 50 बार में पूरा होता है। पावर फैक्टर, दोस्तों इसमें पावर फैक्टर होता है, जैसे कि करंट और वोल्टेज अलग अलग रहते हैं, तो इसमें हमारा पावर फैक्टर 0.6 से 0.9 तक हमें मिल जाता है। एसी क्रॉस हर्ट्ज का मतलब हो गया कि जनरेटर का रोटर प्रति सेकेंड 50 बार घूमता है, करंट प्रति सेकेंड 50 बार आगे पीछे बदलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक सेकेंड में यह हमारा 50 बार ऊपर जाता है पॉजिटिव की तरफ और 50 बार नीचे आता है निगेटिव की तरफ, यानी ये 50 साइकिल पूरा होता है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी हर्ट्ज। आपने देखा होगा हमारे कोई भी उपकरण पे 50 Hz लिखा हुआ रहता है या 50 से 60 Hz रहता है, ये हमारे इंडिया का फ्रीक्वेंसी है, इसी पे हमारे सारे लाइट वगैरह सब चीज़ चलते हैं। दोस्तों वहीं हमारा डीसी लाइन सीधी होता है, सीधी होने का मतलब कि ये हमारा एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव की तरह नहीं जाता है, यह हमारा सीधा होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यह साइकिल नहीं बनाता। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।